पहली बार जो है कहीं कुछ कहने के लिए आया हूँ, तो हमारे यहाँ नज़र उतारने का चलन है, तो अपनी नज़र खुद ही उतार लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो मतलब कोई इस देश में पता नहीं है, अभी संसद ने राइट टू गेट ऑफेंडेड तो पास नहीं किया, लेकिन बात बात पे आजकल लोग बुरा मानते रहते हैं। तो मैं एक कविता नहीं कहने जा रहा हूँ, मेरे पास एक मतलब कहानी है। अब इतनी अच्छी कविताएं चल रही थी कि इच्छा नहीं थी कि वो रुकें, लेकिन अब आया हूँ तो कुछ कह के तो जाऊँगा। तो फिर और ऊपर से होली भी आने वाली है, तो आप कोई बुरा ना माने, इससे पहले डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर यानी अस्वीकृति। तो मेरे शब्दों की फसल की उपज जो आप कुछ देर में काटने जा रहे हैं, उसके बीच जो है मेरे दिमाग की पैदावार है, और मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो कपोल कल्पित कल्पना है। तो किसी संस्था से यदि आप कोई वास्तविक जीवन में उसका कोई मेल हो तो उसको जो है सीरियसली ना लें। तो शुरू करता हूँ। मैं समय नहीं हूँ, लेकिन आज आपसे समय की बात करना चाहता हूँ। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो समय दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छा समय और दूसरा बुरा समय। अब अच्छा समय जो आ जाए, जो अब आप भी जानते हैं कि अच्छा समय जल्दी आता नहीं, और बुरा समय जो आ जाए तो जल्दी जाता नहीं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कई तरह के समय चल रहे हैं, जैसे GMT, गार्डन में मिलने वाला टाइम नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम, और एक है UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से दुनिया अपनी घड़ी मिलाती है, और UTC इज मैप, उसको मेजर है बहुत ही शुद्ध समय का। उसके बाद से एक आता है जापान स्टैंडर्ड टाइम, जो अपनी पाबंदी के लिए जाना जाता है, और इन सबसे इतर एक अपने वाला भी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये किस लिए जाना जाता है, इसी पर ये आज की रिसर्च रिपोर्ट है। थोड़ा मेरी बात पर आप सबका भरोसा बढ़ जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आजकल की हर रिपोर्ट की तरह यह रिपोर्ट भी गूगल्ड है, और खुद गूगल ने यह रिपोर्ट तैयार की है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि गूगल क्यों भला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर रिसर्च करने लगा, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से गूगल की साख खतरे में पड़ने लगी थी। इसलिए अब आप पूछेंगे कैसे, तब मैं आपको फिर बताऊंगा कि गूगल की एक सर्विस है गूगल मैप्स, जिसका एक फीचर है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने, सकुशल पहुंचने का अनुमानित समय, वो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो है कई बार अक्सर जो है गलत साबित होने लगा, इससे लोगों के अंदर ये भावना बढ़ गई कि फेल है भाई, फेल है गूगल तो इंडिया में फेल है। ऐसे गंभीर हालात में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर गूगल को ये रिसर्च करनी पड़ी, और उसी गूगल से गूगल करके ये सब बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आप सब जनाब को जानकर खुशी होगी कि दुनिया भर के 193 देशों की तुलना में भारत नंबर एक पाया गया, एकदम सही जगह पर सही समय पर पहुंचने के लिए। अब मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, तो रिपोर्ट में इसको समझाते हुए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो मान लीजिए कि आपको एक शादी में जाना है, कार्ड ने कहा 7:30 बजे आना है, लेकिन आपको पता है 7:30 बजे तो कतई नहीं जाना है। तो ऐसे में एक सच्चा भारतीय क्या करेगा, वो एक अपने विश्वस्त सूत्रों से खाना खुलने का सही समय पता लगाएगा, 5 परिवार सहित 51 रुपए चढ़ाएगा और तुरंत अंतर्ध्यान हो जाएगा। और गूगल का ETA 7:30 से 11:30 बजे हो जाएगा। तो भारतीय दैनिक जीवन में होने वाली ऐसी और भी घटनाओं से गूगल ने सीखा है कि भारत में ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल नहीं, बल्कि इफेक्टिव टाइम ऑफ अराइवल होता है, यानी वो समय जब आपका उस स्थान पर पहुंचने का सबसे अधिक प्रभाव पड़े। तो थोड़ा सा मार्जिन रख के चलें। तो अतः गूगल ने भारत के केस में अपनी घड़ियां स्लो कर ली हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के कोने में कंडीशन सप्लाई वाली महीन नक्काशी वाली हैंडराइटिंग में लिखा था कि सावधान, भारत को जनरलाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपना वाला विरोधाभासों वाला देश है। सदा स्लो रहने वाले भारतीय एक ऐसी जगह है जहां सामूहिक तेजी का प्रदर्शन करते हैं, वो है ट्रैफिक सिग्नल। भारतीय ट्रैफिक सिग्नल्स नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक है। यहां बड़े छोटे का भेद मिट जाता है, क्योंकि साइकिल मोटरसाइकिल क्या कार बस
या कलाकार सब एक करते हैं एक सा व्यवहार। कब ट्रैफिक सिग्नल पर रेड साइड का ट्रैफिक ग्रीन में विलीन हो जाता है पता ही नहीं चलता। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैफिक यहाँ का ट्रैफिक बड़ा ही साइंटिफिक है, यह विज्ञान के बल के सिद्धांत पर आधारित है। इस पर दो तरह के बल काम करते हैं, एक है ध्वनि बल यानी साउंड प्रेशर, हॉर्न दबाइए और आगे जाइए। एक दूसरा है मनोबल यानी जिस साइड के वाहन चालक के मन में हिम्मत ज्यादा होगी वही आगे जाएगा। एक और तीसरा है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वो है बाहुबल। इसकी भी कभी कभी भारतीय सड़कों पर आवश्यकता पड़ती है। अब इतना ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक होते हुए भी कभी कभी यहां का ट्रैफिक फंस जाता है। यहां का व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही लाचार महसूस करता है, उसे लगता है कि भाई यहां किसी की नहीं चलती। लेकिन कहते हैं जहां किसी की नहीं चलती वहां ऊपर वाले की चलती है। तत्काल गौ माता प्रकट होती हैं और वहां मौजूद भक्तजन करबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, सबकी राह आसान होती है और ट्रैफिक फिर चल पड़ता है। ऐसे ही एक आसान दिन गूगल पर ETA चेक करके भारत के एक सभ्य चौराहे पर खड़ा था। बत्ती के लाल से हरा होने में अभी समय था, गाड़ियों के इंजन बंद कर दिए गए थे, बड़ी खामोशी थी। ऐसे में आसपास की गाड़ियां सोशलाइज करती हुई लगी। देखा कि एक नई नवेली ऑटो सजीली और छैल छबीली बनकर खड़ी थी, जिसे पास ही खड़ा टेम्पो घूरे जा रहा था। इस पर ऑटो ने टेम्पो से कहा, देखो मगर प्यार से। टेम्पो ये सुनकर मन ही मन मुस्काया और फरमाया, यूं हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। पर प्यार जमाने को कहां मंजूर है। ऑटो के बगल में एक दमदार मेटाडोर खड़ा था, शायद छबीली ऑटो का कोई भाई भाई होगा। उसने टेम्पो से कहा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन ये टेम्पो भला मानुस था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि माँ का आशीर्वाद अगर साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बड़े कौतूहल में था कि अब मामला क्या नया मोड़ लेगा। इतने में बत्ती हरी हो गई और सब अपने रास्ते। बस इतना देखा कि छबीली ऑटो ने टेम्पो के बगल से गुजरते हुए उस मशहूर फिल्मी गीत से अपना अंतिम पैगाम दिया कि फिर मिलेंगे चलते चलते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।